अगर आप अभी एक लैंग्वेज सीख रहे हो जॉब करने के पर्पज से, या इन फ्यूचर में लैंग्वेज सीखने वाले हो क्योंकि तो लैंग्वेज सीखने के बाद आप जॉब करना चाहते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, देन आपको एक मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तो अगर आप इस मिस्टेक को करोगे तो आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा निल हो जाएंगे। यूजली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मिस्टेक को करते हैं और इस वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम आती है जॉब मिलने में। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो मिस्टेक करें इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब आफ्टर लर्निंग अ लैंग्वेज। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक यही है कि आप उस एक मिस्टेक को अवॉइड करें, और आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे पहले कि इस मिस्टेक के बारे में हम जाने, एक शॉर्ट रिमाइंडर मैसेज टू ऑल दोस पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ फ्रेंच कोर्स। हमारा 30 डेज का स्पोकन फ्रेंच क्रैश कोर्स जो 17th ऑफ जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप बहुत लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट लर्निंग फ्रेंच डायरेक्टली फ्रॉम मी, देन एनरोल योरसेल्फ राइट नाउ, इससे पहले कि बाकी की सीट्स फिल हो जाए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अभी इस कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो यूजली लोग करते हैं जिस वजह से उन्हें जॉब मिलने में परेशानी आती है? एंड दैट मिस्टेक इज lack of focus on speaking part. Yes, lack of focus on speaking part. ये वो mistake है जिसे आपको avoid करना चाहिए, जिसे आपको नहीं करना चाहिए, otherwise आपको job मिलने में बड़ी परेशानी होने वाली है। अब मैं आपको एक reality बताता हूँ कि अगर आप 100 लोगों से मिलोगे जो लोग language सीख रहे हैं, चाहे वो English सीख रहे हैं, चाहे वो कोई और foreign language सीख रहे हैं, तो 100 में से 99 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो speaking part में इतने अच्छे नहीं होंगे। यानी कि जो speaking वाला part होता है वो उनका सबसे ज़्यादा weak part होगा। ये अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको पता होगा, या आप ऐसे लोगों से मिले हैं अपने इंस्टीट्यूशन में तो आपको ये बात ऑलरेडी पता होगी, राइट? अब ऐसा भी क्यों होता है कि वो उनका जो स्पीकिंग वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा वीक पार्ट क्यों होता है? दे मे बी गुड एट रीडिंग, वो रीडिंग में अच्छे होते हैं, वो राइटिंग में अच्छे हो सकते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग में भी अच्छे होते हैं, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, जो भी वो लैंग्वेज सीख रहे हैं। लेकिन स्पीकिंग वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है, इसमें एक पर्सन सबसे ज़्यादा यानी कि वीक होता है। 100 में से 99 लोगों की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम जो लोग होते हैं, राइट? अब ऐसा क्यों है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो स्पीकिंग पार्ट में वीक क्यों होते हैं? उसका एक रीज़न है, और उसका रीज़न क्या है कि जिस किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से वो स्टूडेंट पढ़ता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, किसी कॉलेज से पढ़ रहा है, या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, वहाँ पर लिमिटेड प्रैक्टिस होती है स्पीकिंग की। दैट्स अ प्रॉब्लम, कि वहाँ पर लिमिटेड प्रैक्टिस होती है स्पीकिंग की। मैक्सिमम जगहों पर जो फोकस होता है वो होता है ग्रामर पर, कि वो ग्रामर में अच्छे होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट आप देखोगे लैंग्वेज वाले, वो ग्रामर में अच्छे होंगे, वो रीडिंग में अच्छे होंगे, वो राइटिंग में भी ठीक होते हैं, लेकिन जब बात आएगी स्पीकिंग की तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पुअर होते हैं। क्योंकि इन जगहों पर, मैक्सिमम जगहों पर, अगेन 99% जगहों पर ये होता है, 1% एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन 99% जगहों पर आपको ये प्रॉब्लम मिलने वाली है कि वहाँ पर स्पीकिंग की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन में कहीं पर भी 4 दिन क्लास लग रही है हफ्ते में, या 3 दिन क्लास लग रही है, तो उनको ग्रामर भी करानी है और भी चीज़ें करानी है, तो वो स्पीकिंग पर इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से मैक्सिमम जो लोग हैं, मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं, वो उनकी जो स्पीकिंग पार्ट होती है वो इतनी इंप्रूव नहीं हो पाती है, उसमें वो फ्लुएंसी का लेवल नहीं आ पाता है। लेकिन ये जो स्पीकिंग पार्ट होता है ना एक लैंग्वेज में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आपको जॉब लगानी है तो। वैसे तो सारे ही लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स यू नो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, बट मैं स्पीकिंग को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब स्पेशली इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो वहाँ पर आपके जब इंटरव्यू होगा, राइट, तो आपके 2 इंटरव्यू जरूर होंगे, चाहे कोई इंटरव्यू हो ना हो। जैसे एक होगा आपका स्पीकिंग वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ पर आपके हो सकता है 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू हो स्पीकिंग वाला, मतलब वहाँ पर जो भी लैंग्वेज एक्सपर्ट होंगे वो आपको कैसे वेरीफाई करेंगे, आपको कैसे असेस करेंगे, आपकी लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है उसका असेसमेंट कैसे करेंगे, तो वो एक तो करते हैं स्पीकिंग में, दूसरा करेंगे वो आपको राइटिंग में। तो सबसे पहले आपका स्पीकिंग में होगा, स्पीकिंग में हो सकता है वो 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू आपका ले, लेकिन अगर आपको बोलनी नहीं आती तो आप वो इंटरव्यू क्लियर कैसे करोगे? दैट्स अ प्रॉब्लम। आप राइटिंग में अच्छा कर सकते हो, एक बार कुछ लिख दोगे जो भी टॉपिक आपको दिया, रीडिंग में भी कर सकते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग दैट्स अ मेन यू नो थिंग, वहाँ पर लोग, मैक्सिमम लोग फिर यू नो गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि उनका स्पीकिंग पे इतना कमांड होता नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट का जो फोकस होता है ना वो होता है सर्टिफिकेट पे, डिग्री पे। उनको लगता है बस हमारे पास सर्टिफिकेट आ जाए, डिग्री आ जाए, ये इसको क्लियर कर लें तो बस हमारी जॉब पे ईजिली लग जाएगी। लेकिन ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सर्टिफिकेट और डिग्री के आधार पर आपकी जॉब नहीं लगती है। सिर्फ सर्टिफिकेट और डिग्री के आधार पर क्या होता है कि आप उस कंपनी के इंटरव्यू रूम तक पहुँचने का एक टूल है वो आपका सर्टिफिकेट। क्या आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू वो स्वतः की है उस इंटरव्यू रूम तक, क्या आपको वो
आपके सर्टिफिकेट के बेस पे, आपकी डिग्री के बेस पे वो आपको कॉल कर लेंगे कि आप आइए इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू रूम से उस कंपनी तक में जाने का जो सफर है ना, वो आपकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी तय करती है कि आप कितने प्रोफिशिएंट हैं उस भाषा में। उस जगह जब आप इंटरव्यू रूम में बैठेंगे तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए आपका एक सर्टिफिकेट डिग्री दिखी जाएगी। वहां पर आपको चेक किया जाएगा कि आपका लेवल क्या है इस लैंग्वेज में। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा हमें फोकस करना चाहिए अपनी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी पर। सर्टिफिकेट तो देखो अपने आप यू नो ले लोगे, डिग्री भी आपको मिली जाएगी अगर आप लैंग्वेज में अच्छा कर रहे हो तो। मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, जब इनिशियली जब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था तो इनिशियल लेवल पर लैंग्वेज में इतनी फ्लुएंसी थी नहीं मेरी, तो जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता था तो उस टाइम पर मैं नर्वस होता था क्योंकि मुझे पता था कि आई एम नॉट दैट मच फ्लुएंट एज ऑफ नाउ। तो मेरे अंदर एक डर होता था इंटरव्यू में जाने से, जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता था कई जगह पर रिजेक्ट भी हुआ इसी वजह से, क्योंकि फ्लुएंसी का वो लेवल ही नहीं था। आई वॉज गुड इन ग्रामर, में ग्रामर में अच्छा था, रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, सब कुछ में, लेकिन स्पीकिंग वाला पार्ट पे इतनी पकड़ नहीं थी, वो फ्लुएंसी के लेवल उस टाइम पे नहीं आया हुआ था और इस वजह से कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता था जाने के लिए। इस वजह से मुझे कुछ रिजेक्शन भी मिले थे और मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा अभी भी होता है कि यू नो दे गेट रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, कि उनकी स्पीकिंग पे इतनी कमांड नहीं होती है। लेकिन जब धीरे धीरे फ्लुएंसी का लेवल मेरा बढ़ा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, उसके बाद फिर इंटरव्यू देने में भी डर नहीं लगा। यही आपके साथ होगा, अगर आप स्पीकिंग में कमजोर हो, अगर आपका ये स्पीकिंग पार्ट अगर वीक है तो आपको इंटरव्यू देने में भी डर लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं मैं बात कैसे करूंगा। तो अगर आप बात ही नहीं कर पाओगे वहां पर जाके उनसे उस लैंग्वेज में, देन हाउ विल यू पास दैट इंटरव्यू। तो अगर आप लैंग्वेज सीखने के बाद जॉब करना चाहते हो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो आपको अपने स्पीकिंग पार्ट को इम्प्रूव करना ही होगा। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन पे कि अपने स्पीकिंग पार्ट को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो, जहाँ से भी आप क्लासेस ले रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, वहाँ पर इतनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो नहीं पाती है, क्योंकि सी लिमिटेड आर्ट्स होते हैं टीचर के पास भी, तो वो आपको रीडिंग भी करा रहा है, राइटिंग भी करा रहा है, आप यू नो आपकी लिसनिंग भी करा रहा है, सो इतना टाइम होता नहीं है कि स्पीकिंग की प्रैक्टिस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो पाए। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आप कैसे अपने स्पीकिंग पार्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, तो उसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपको अलग से आपको प्रैक्टिस करनी होगी आफ्टर द क्लास। वही बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि द रियल लर्निंग हैपन्स आफ्टर द क्लास, नॉट इन द क्लास। जो रियल लर्निंग होती है ना आपकी, वो क्लास के बाद होती है, ना कि क्लास के अंदर, कि आप क्लास के बाद क्या कर रहे हो। तो अगर आप मान लो कि ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि क्लास के बाद जो भी आपके बैचमेट्स हैं, तो कुछ बैचमेट्स के साथ में आप 10-15 मिनट या 20 मिनट रुक के अलग से स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन जो 99% केस में पॉसिबल नहीं हो पाता ऑफलाइन क्लास में, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में एक सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि जैसी क्लास हुई उसके बाद हर किसी को अपने घर भागने की पड़ती है। ये मेरे टाइम पे यही होता था, उस टाइम पे बड़ा मुश्किल होती थी स्पीकिंग करने में। ठीक है, व्हाट यू कैन डू, अगर कोई ऐसा जा भी रहा है तो आप अपने ग्रुप बना सकते हो ऑनलाइन। तो आजकल आप क्या नाम इजिली आप जूम की मीटिंग कर सकते हो उनके साथ में, या आप कॉलिंग पे उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप अपने डेज डिफाइन कर सकते हो कि ये हमारे डेज होंगे जहाँ पर हम प्रैक्टिस किया करेंगे स्पीकिंग की, ये हमारी टाइमिंग होगी, इस टाइम पर हम किया करेंगे, हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन। ये सेम आप ऑनलाइन क्लास में भी कर सकते हो। अगर आप कहीं से ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो वहाँ पर आपके जो बैचमेट्स होंगे उनके साथ अपना अलग ग्रुप बनाओ। ठीक है, और डेज को अपने फाइनल करो, ये हमारे डेज है, ये हमारी टाइमिंग है, और इन डेज पर और इन टाइमिंग पर हम लोग अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके हफ्ते में सपोज 4 दिन क्लास हो रही है, तो बाकी के 3 दिन आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करोगे। ये मैं अपने बैच में भी करता हूँ कि जैसे मेरी हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, तो मैं स्टूडेंट को हमने बोल रखा है कि आपके बाकी के जो 3 दिन है आप उसमें स्पीकिंग प्रैक्टिस करोगे। तो उनका अलग से ग्रुप होता है, तो वो वहाँ पर टाइमिंग पर अपना यू नो एक जूम मीटिंग करते हैं एंड दे डू द प्रैक्टिस, क्योंकि आई नो द वैल्यू ऑफ यू नो प्रैक्टिस, स्पेशली स्पीकिंग प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। सो द सेम थिंग यू कैन डू, आपको इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि नहीं वहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पर स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही है, नॉन कंप्लेन करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यू हैव टू मेक योर ओन वे, आपको अपना रास्ता बनाना ही पड़ेगा। ये रास्ता मैंने भी बनाया था, कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती है। जब मैं क्लास लेने जाता था, मुझे भी कोई स्पीकिंग के लिए पार्टनर मिलता ही नहीं था, तो मैंने अपने रास्ते बनाए। जो भी फाउंडर मिला उससे बात की, स्टेशन पे मिला, गई बाहर मिला, मैंने उससे बात करना शुरू किया। जब जॉब लगी तो वहां पर जितना हो सके उतना यू नो स्पीकिंग प्रैक्टिस करना शुरू किया। सो आपको अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू, सिंपल। ठीक है, तो इसलिए प्लीज फोकस ऑन स्पीकिंग पार्ट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। आपके खुद के क्या थॉट्स हैं इस बारे में मुझे प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताना। एंड अगर इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ भी नॉलेज मिली है, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल।